हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए पहले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? आपको बताना है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है। ऑप्शन देख लीजिए, महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश, संबोध या फिर निर्वाण। इसमें से सही उत्तर कौन सा है आपको बताना है। इसमें बी नंबर जो है बिल्कुल सही है, प्रथम उपदेश। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? समुद्रगुप्त, हर्ष, अशोक या फिर पुलकेशिन सेकंड। इसमें से जो सही उत्तर है वो आपको बताना होगा, इसमें सी नंबर जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन देख लीजिए, सांची, भीमबेटका, अमरावती बाग। इसमें से जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है, तो इसमें बी नंबर जो है बिल्कुल सही है, भीमबेटका जो है एकदम सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? राजा राममोहन राय ने, एमडी रानाडे ने, देवेंद्र नाथ टैगोर ने या फिर आत्माराम पांडुरंग ने? इसमें से जो सही उत्तर है वो आपका ए नंबर है, राजा राममोहन राय। ए नंबर जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? आपको बताना है किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, लॉर्ड रीडिंग या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसमें से सही उत्तर आपको बताना होगा, तो इसमें आपका बी नंबर बिल्कुल सही है, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, बी नंबर जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह कौन सा व्यक्ति था, कौन सा क्रांतिकारी था जो अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए 64 दिन उपवास के बाद उसकी मृत्यु हुई थी? तो ऑप्शन देख लीजिए, जतिन दास, अनंत गुप्ता, पुलिन दास या फिर विनय बोस। इसमें से सही उत्तर आपका ए नंबर है, जतिन दास, ए नंबर जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के पूर्व गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के पूर्व गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड राइविन, वारेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड मेयो। इसमें से सही उत्तर आपको बताना होगा, तो इनके पहले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के पहले जो भारत के पूर्व गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, इसलिए ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन थे? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, महात्मा गांधी या फिर सी आर दास? तो इसके रचयिता जो थे वो मोहम्मद इकबाल थे, इसलिए बी नंबर जो होगा बिल्कुल सही होगा, मोहम्मद इकबाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो इसमें आपका बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? आपको बताना है, ऑप्शन में है 10 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 4 अप्रैल 1930 या फिर 4 फरवरी 1922। तो इसमें जो सही उत्तर है वो बी वाला है, क्योंकि यह जो है यह आंदोलन वो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अवलिखित हुआ है? ध्यान दीजिएगा,
क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित है? बिहार, मणिपुर, उत्तर प्रदेश या फिर नागालैंड। इसमें से जो सही उत्तर है वो नागालैंड है, इसलिए डी नंबर जो है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हैदराबाद नदी पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है आपको बताना है, महानदी, गोदावरी, मूसी या फिर कृष्णा। तो हैदराबाद जो है वो मूसी नदी पर स्थित है, इसलिए सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा, सी नंबर सही उत्तर है। कोयला एक उदाहरण है, कोयला उदाहरण है किस चीज का, औषधि शैल का, रूपांतरित शैल का, अग्नेय शैल का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोयला जो है वो औषधि शैल का उदाहरण है, इसलिए ए नंबर जो होगा बिल्कुल सही होगा, औषधि शैल का उदाहरण है तो इसलिए ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र, बुध और शनि, पृथ्वी और बृहस्पति, शुक्र और मंगल। तो इसमें जो सही उत्तर है वो ए वाला है, बुध और शुक्र, ए वाला उत्तर जो है बिल्कुल सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है, लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है, प्रशांत महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या फिर हिंद महासागर। तो ये जो है अरब सागर में स्थित है, इसलिए बी नंबर जो होगा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जो लोग स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के लिए काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो लोग स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के लिए काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जसोदा वर्कर, दिशा वर्कर, हीरा वर्कर या फिर आशा वर्कर। इसमें जो सही उत्तर है वो डी नंबर है, आशा वर्कर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम मुख्यतः हेतु किया गया है, शुरू किया गया, आपको बताना है एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम किसके लिए शुरू किया गया है। ऑप्शन देख लीजिए, शिशु मृत्यु दर घटाने, बालक का विश्वास बढ़ाने, बाल श्रम घटाने या फिर महिलाओं को नौकरी देने। तो इसमें जो सही उत्तर है वो ए वाला है, ए में क्या है, शिशु मृत्यु दर घटाने, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने किस तारीख से माल एवं सेवा कर को प्रभाव में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, आपको बताना है इसमें से कौन सी तिथि थी जिसमें जीएसटी को प्रभाव में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया, 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 जून 2017 या फिर 1 सितंबर 2017 को। तो इसमें ये जो सही उत्तर है वो 1 जुलाई 2017, इसलिए ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 2017। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके लिए प्रियदर्शी योजना लागू की गई, किसके लिए प्रियदर्शी योजना लागू की गई, कमजोर महिलाएं, युवा लड़कियां, पुरुष, साक्षर महिलाएं। इसमें से जो सही उत्तर है वो आपको बताना होगा, इसमें से सही उत्तर आपको बताना होगा। तो देखिए ऑप्शन जितना दिया गया है उसमें आपका ए नंबर बिल्कुल सही होगा, कमजोर महिलाएं, ए नंबर जो होगा बिल्कुल सही होगा, कमजोर महिलाएं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का एक कारक नहीं है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादन का कारक नहीं है, निश्चित पूंजी, कार्यशील पूंजी, उद्यमियों द्वारा अर्जित लाभांश या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर है उसका सी वाला है, उद्यमियों द्वारा अर्जित लाभांश, सी उत्तर जो है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य प्रभाग में प्रशासनिक अधिकारी कहलाते हैं, राज्य प्रभाग में प्रशासनिक अधिकारी कहलाते हैं, मुख्यमंत्री, आयुक्त, प्रधानमंत्री या फिर तहसीलदार। तो इसमें बी नंबर जो होगा बिल्कुल सही होगा, आयुक्त। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख आपको बताना है प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली के राज्यपाल या फिर भारत के राष्ट्रपति। तो इसमें जो सही उत्तर है वो आपका डी वाला है, भारत के राष्ट्रपति, ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के 10वें अध्याय में शामिल स्वतंत्र संस्थान दर्शाने वाला अनुच्छेद है, ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र के 10वें अध्याय में शामिल स्वतंत्र संस्थान दर्शाने वाला अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 10A, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 71A या फिर अनुच्छेद 45A। तो इसमें सी नंबर जो होगा बिल्कुल सही होगा, अनुच्छेद 71A। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान द्वारा अस्पृश्यता का अभ्यास समाप्त कर दिया गया, ध्यान दीजिएगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान द्वारा अस्पृश्यता का अभ्यास समाप्त कर दिया गया, 17,
29, 35 या फिर 49, तो इसमें 17 जो है बिल्कुल सही उत्तर है, इसलिए ए नंबर ऑप्शन जो होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत तुरंत बन गया, आपको बताना है क्या बन गया, गणतांत्रिक राज्य, लोकतांत्रिक राज्य, डोमिनियम राज्य या फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो इसमें आपका सी नंबर बिल्कुल सही है, सी नंबर में दिया गया है डोमिनियन राज्य, सी नंबर जो है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दूध में किस तत्व की कमी है, आपको बताना है दूध में किस तत्व की कमी है, पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा या फिर मैग्नीशियम, तो दूध में जो है वो लोहे की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, फेरस की कमी होती है, इसीलिए आपका सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है, आपको बताना है आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना कौन सी है, प्रकाश का व्यतिकरण है या परावर्तन है या अपवर्तन है या फिर प्रकीर्णन है, प्रकीर्णन ही सही उत्तर होगा, इसलिए डी नंबर आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वोल्टेज, करंट और के संदर्भ में विद्युत सर्किट का वर्णन किया जा सकता है, आपको बताना है कि वोल्टेज, करंट और किसके संदर्भ में विद्युत सर्किट का वर्णन किया जा सकता है, प्रतिरोध, आवृत्ति, एसी या फिर डीसी, तो इसमें से जो सही उत्तर है वो कौन सा है, वो है आपका ए नंबर, प्रतिरोध, ए जो है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड सूर्य की रोशनी में भूरे रंग का हो जाता है या के कारण होता है, आपको बताना है सिल्वर क्लोराइड सूर्य की रोशनी में भूरे रंग का हो जाता है या किसके कारण होता है, कौन सी क्रिया है जिसके कारण यह भूरे रंग का हो जाता है, उपचयन, अपचयन, अपघटन या फिर संयोजन, तो इसमें से जो सही उत्तर है आपका वो सी नंबर है, क्योंकि अपघटन के कारण होता है, इसलिए सी नंबर जो होगा बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, बूस्ट, बोर्नवीटा, हॉर्लिक्स आदि ऊर्जा समूह पेयों में अनुपूरकों के रूप में किस फसल का माल्ट निचोड़ प्रयुक्त होता है, आपको बताना है। देखिए बच्चों के लिए ये सब जो अलग अलग तरह के पदार्थ जो है उपयोग में लिए जाते हैं उसमें बताना है कि किस फसल का माल्ट निचोड़ प्रयुक्त होता है, गेहूं, जई, जव या फिर टिट्रीकेल, इसमें से जो सही उत्तर है आपको बताना है, तो इसमें सी नंबर जो है बिल्कुल सही होगा, सी नंबर जो है बिल्कुल सही उत्तर है। इसी प्रकार से हर दिन हम आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे, जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हर दिन हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।